हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रैशनल नंबर्स के बारे में। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स की अब हम बात करते हैं। तो बेसिकली रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p बाय q की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। तो ऑब्वियसली इरैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं जो p अपॉन में q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो नंबर्स क्या होंगे? इरैशनल नंबर्स। तो द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि रूट टू है, इसकी वैल्यू क्या है? 1.414 2 3। तो ये ऐसे आपकी वैल्यू चलती चली जाएगी, तो ये क्या हो गया? इरैशनल नंबर। रूट थ्री क्या हो गया? इरैशनल नंबर। रूट फोर, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2। तो अब 2 को तो आप लिख सकते हो 2 अपॉन में 1, तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। ठीक है, तो वो नंबर जो p बाय q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उसे हम क्या बोलेंगे? इरैशनल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, उसको हम p बाय q की फॉर्म में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, वो अभी हम लोग देखेंगे। मतलब जैसे कि एक रैशनल इरैशनल नंबर है पाई। पाई क्या है? इरैशनल नंबर। ठीक है, 3.142 ऐसे आपकी बहुत लंबी वैल्यू जाती है। ठीक है, लेकिन हम पाई को लिखते कैसे हैं? 22 अपॉन में 7 लिखते हैं, है ना? तो अब पाई को हम लोग लिख रहे हैं 22 अपॉन में 7, तो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा कि भाई ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया हमने, ये तो पाई को हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया 22 अपॉन में 7, तो why I am saying that it is irrational number। जब हम पाई को 22 अपॉन 7 की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम पाई को इरैशनल नंबर क्यों कह रहे हैं, हम रैशनल नंबर क्यों नहीं कह रहे हैं, ये अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये p by q की फॉर्म में लिखने के बाद भी क्यों इरैशनल है, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो इरैशनल नंबर जनरल डेफिनेशन में वी विल टॉक व्हाट वी विल से। जनरल डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे, वो नंबर जो p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो हमारे क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स होते हैं। पाई क्यों इरैशनल है, वो अभी हम देखेंगे। तो अब जो क्वेश्चन आता है, जैसे कि अब जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे, इसमें बेसिकली किस टाइप के आएंगे, जैसे कि क्या है कि रूट टू, क्या रूट टू क्या है? इरैशनल नंबर है। अब वो पूछेगा रूट टू को रिप्रेजेंट करके दिखाओ ऑन नंबर लाइन। अब रूट टू को आप नंबर लाइन पे एग्जैक्ट वैल्यू स्केल से तो निकाल नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि स्केल पे 1.4132, क्योंकि रूट टू की वैल्यू कितनी होती है? 1.41 1.14132 1423, ऐसे करके बहुत लंबी सी वैल्यू होती है, तो ये हम कैसे निकाल रहे? अब रूट टू को निकालना मुश्किल है। अच्छा, अब आप इधर देखो, हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, तो ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हमारा बेस, और ये क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये याद रखना। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको पता है, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, परपेंडिकुलर को पी ले लो, बेस को पी ले लो, हाइपोटेन्यूज को एच ले लो। ठीक है, तो हाइट पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब देखो, अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 होती और बेस की भी वैल्यू 1 होती, ठीक, तो यहां से h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब h इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें पता है परपेंडिकुलर कितना है 1, तो h इक्वल टू p स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b स्क्वायर की जगह भी 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो h इक्वल टू 1 प्लस 1, तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये समझ में आया? फिर से देख लो, अगर हमने यहाँ पे क्या यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p की वैल्यू भी 1 थी मान लो, और मान लो b की वैल्यू 1 थी, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर,
तो वन स्क्वायर वन, वन स्क्वायर वन, तो वन प्लस वन टू, तो एच इक्वल टू रूट टू आ गया। अब देखो नंबर लाइन पे हमें क्या करना है, हमारी नंबर लाइन होगी ठीक है, ये हो गया जीरो वन टू थ्री ऐसे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। सबसे पहले आप एक स्केल लेंगे, स्केल से आप मेजर कर लेंगे ये जीरो से वन आपने ऐसे करके लाइन खींच ली ठीक है, जीरो से वन आपने ऐसे करके एक लाइन खींच ली ठीक। फिर इसी जीरो से वन लाइन एक ऊपर को खींच ली ऐसे करके, ये आपने वन लाइन एक ऐसे खींच ली ठीक। तो ये भी वन हो गया और ये भी वन हो गया, ये तो वन है ही और ये भी आपने एकदम सीधी 90 डिग्री पे आपने वन खींच ली ठीक। अब हमने इन दोनों को ज्वाइन, इन दोनों को ये ज्वाइन ठीक है। तो देखो ये अगर परपेंडिकुलर वन है, बेस भी वन है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आया आपका स्क्वायर रूट ऑफ टू, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू। अब आप कंपास लेंगे और इसको ऐसे करके ऐसे मेजर कर लेंगे, कंपास ने मेजर कर लिया ठीक, फिर हमने ओरिजिन पे रखा ओ पे और ये ऐसे करके कट मार दिया, ऐसे करके कट मार दिया। तो जहां पे कट आया सबको यहां पे आया, ये यहां पे कट आया, तो यहां से इस पॉइंट को क्या मान लो m मान लो, o से m तक की जो डिस्टेंस है, o से m तक की डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी आपकी रूट टू हो जाएगी, क्या हो जाएगी रूट टू हो जाएगी। समझ में आया, अगर क्वेश्चन आता है रूट टू को नंबर लाइन पे आपको क्या करना है शो करना है, तो कैसे शो करोगे, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है ठीक है। तो हमने पहले फिर से देख लो जीरो से एक लाइन दी थी वन की ऐसे, फिर वहां से परपेंडिकुलर ऐसे खींच दिया वन का ऐसे, फिर वो जहां पे एंड हुई उन दोनों को हमने क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या आएगी रूट टू आएगी। फिर कंपास लिया ऐसे करके मेजर कर लिया, ओरिजिन पे रखा और यहाँ पे काट दिया, तो ये जो डिस्टेंस आई ये क्या आई हमारी रूट टू। तो यहाँ पे आप लिख दोगे ये जो है ये क्या है रूट टू, इसका मेजरमेंट क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ टू। तो आप स्क्वायर रूट ऑफ टू नंबर लाइन पे दिखा सकते। अच्छा अब आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ थ्री करके दिखाओ, क्या दिखाओ स्क्वायर रूट ऑफ थ्री करके दिखाओ, तो वो कैसे दिखाया जाएगा देखो। अब रूट टू हमें पता है, देखो अब इसी को डायग्राम को हटा देते हैं ठीक है, रूट टू हमें पता है ठीक है। तो अब अगर मान लो परपेंडिकुलर या बेस में से एक क्या होता रूट टू होता और एक क्या होता वन होता, तो यहाँ पे क्या होता परपेंडिकुलर का स्क्वायर वन का स्क्वायर हो गया और बेस की जगह क्या हो जाएगा रूट टू का होल स्क्वायर। अब रूट ऑफ ए का स्क्वायर क्या होता है वन, तो रूट ऑफ टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा टू ठीक है, तो टू प्लस वन क्या हो जाएगा थ्री, टू प्लस वन क्या हो जाएगा थ्री। तो ये देखो रूट टू था, ये क्या था रूट टू, यहां से फिर से 90 डिग्री सीधी सीधी कैसे करके खींच दो लाइन ठीक है, ये कितने की लाइन हो गई वन की, ये कितने की हो गई वन की, एक रूट टू की हो गई एक वन की हो गई ठीक है 90 डिग्री पे। ये रूट टू है आपको पता है, ये वन है, अब इनको ऐसे करके ज्वाइन कर दो, इनको ऐसे करके ज्वाइन कर दो, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी रूट थ्री, ये डिस्टेंस क्या हो गई रूट थ्री, तो रूट थ्री आपका ये आ रहा है मान लो, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो गई रूट थ्री ठीक है। अब मान लो वो बोल दे रूट फाइव निकालो, अब रूट फाइव देखो मैं आपको बता देता हूं, अगर रूट टू आता है ये याद रखना, तो आप क्या लोगे कॉम्बिनेशन वन और वन का लोगे, अगर रूट थ्री आता है तो आप कॉम्बिनेशन क्या लोगे एक रूट टू ले लोगे और एक वन ले लोगे ठीक है। अच्छा अब अगर रूट फाइव आता है तो आप कॉम्बिनेशन क्या लोगे, दो चीजें आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो एक वन ले लो और एक क्या ले लो टू ले लो ठीक है, टू और वन, क्यों क्योंकि ये क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन प्लस टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस वन फाइव, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू ना, तो क्या हो जाएगा फाइव, इसका मतलब एच इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ फाइव है ना। तो देखो फिर से देख लो रूट वन बनाने के लिए हमने पहले ऐसे वन मारा फिर परपेंडिकुलर वन मार दिया ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका रूट टू मिल गया। अब ये रूट टू में पता है, फिर यहाँ पे वन मारा तो वन और रूट टू से क्या मिल गया हमें रूट थ्री मिल गया। अब हमें रूट फाइव चाहिए, तो रूट फाइव का कॉम्बिनेशन क्या बताया हमने टू और फोर, टू और वन, तो कुछ नहीं करना है, ये हमारी नंबर लाइन है जीरो वन टू थ्री फोर, तो पहले जीरो से लेके टू तक लाइन खींच लो, ये जीरो से
टू तक लाइन खींच ली, ठीक। जीरो से टू तक हमने एक लाइन खींच ली, जीरो से टू तक, ठीक। फिर इस पे एक वन की लाइन ये खींच ली, ठीक। फिर ये हमने बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रूट फाइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूट फाइव आपको आपको मिल जाएगा, ये डिस्टेंस रूट फाइव मिल जाएगा। ऐसे ही अगर रूट सेवन बनाने को आ जाए तो आप क्या क्या लोगे, एक रूट टू ले लोगे और एक रूट फाइव ले लोगे, ठीक है। रूट टू और रूट फाइव, रूट टू एंड रूट फाइव, क्यों दिखा देते हैं। अगर मान लो ये रूट फाइव होता, हाँ, ये आपका क्या हो जाता, ये तो यही है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाता, रूट फाइव का होल स्क्वायर बाय पी की जगह क्या रहता है, रूट फाइव का होल स्क्वायर, क्या रहता है आपका, रूट फाइव का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाता है आपका, रूट फाइव का होल स्क्वायर क्या होता है, फाइव प्लस टू, तो क्या रहता है, रूट ऑफ सेवन। तो रूट सेवन के लिए आप, तो आप याद रखना, रूट टू के लिए वन और वन लेना है, रूट थ्री के लिए वन और रूट टू लेना है, रूट फाइव के लिए वन और टू लेना है, और रूट सेवन के लिए रूट टू और रूट फाइव लेना है। तो इस तरीके से हम कोई भी स्क्वायर रूट वाला नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अच्छा, अब हम ये वाली एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो लेट अस डू एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2। देखो एक्सरसाइज 1.2 जब हम करने जाते हैं तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो आपको ध्यान से रीड करिएगा, क्या कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट, एवरी रैशनल इरेशनल, एवरी इरेशनल नंबर, सॉरी क्या है क्वेश्चन, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो देखो रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर में सब कुछ आता है, क्या रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर इज मेड अप ऑफ, या फिर रियल नंबर क्या है, ऐसे अगर हम बोल सकते हैं, क्या रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ, इज कलेक्शन ऑफ क्या, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर किसका कलेक्शन है, सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन है। तो इसका मतलब जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो तो रियल नंबर होंगे ही होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस या फिर ट्रू, यस या फिर ट्रू, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा था कि एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो देखो जब हम रियल नंबर सारे लेंगे तो उसमें रैशनल भी आ जाएगा और इरेशनल भी आ जाएगा, मतलब कि हर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता और ना ही हर रियल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर में दोनों आते हैं, रैशनल और इरेशनल, ठीक है। तो सारे इरेशनल नंबर तो रियल हो सकते हैं, क्योंकि देखो रियल जो है, रियल नंबर जो है वो क्या है, रैशनल भी है उसमें और इरेशनल भी है उसमें, ठीक है। तो सारे रैशनल नंबर इसके अंदर आ जाएंगे और सारे इरेशनल भी इसके अंदर आ जाएंगे, बट क्या रैशनल नंबर में सारे रियल नंबर आएंगे, नहीं आएंगे। क्या इरेशनल में सारे रियल नंबर आएंगे, नहीं आएंगे। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो या फिर फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर वन पुट करोगे, क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करोगे, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि जो स्क्वायर रूट होता है वो हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर रैशनल होता है या इरेशनल होता है। तो वो क्या कह रहा है
कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। तो चलो देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होगा, इरेशनल होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है, क्योंकि इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, 2 है ना, या तो प्लस का 2, क्योंकि प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है, और माइनस 2 का भी होल स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो 2 ले लो और माइनस 2 ले लो, चाहे देखो 2 इंटू 2 क्या होगा 4, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 भी क्या होगा 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 को इसलिए हम केवल 2 नहीं लिख सकते, 2 भी होता है और माइनस 2 भी होता है, ठीक है। तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरेशनल, स्क्वायर रूट ऑफ 6 इरेशनल, ठीक है। ऐसे करते करते जब आओगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 ये क्या हो जाएगा, 3 एंड माइनस 3। तो देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या आया, रैशनल आया, 9 का भी स्क्वायर रूट क्या आया, रैशनल आया। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया कि सारे क्या सारे आपके जो है पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता। कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे भी होते हैं जिनका स्क्वायर रूट रैशनल होता है, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है, रूट 5 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आई टोल्ड यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 के लिए हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए और 2 चाहिए। तो सिंपल ये हमारी क्या हो गई, नंबर लाइन हो गई, ये 1 और ये 2। तो 2 तक की आप एक लाइन खींच लोगे और ऐसे कितनी खींच लोगे, 1 की खींच लोगे, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो ये जो आएगा उससे आप यहाँ पे कट मार दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 1.2 हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। अच्छा अब जो हम बात करेंगे, अब जो हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, जबकि वो 22/7 की फॉर्म में लिखा हुआ होता है। तो अभी हम देखते हैं क्या और कैसे, ठीक है। देखो बेसिकली होता क्या है, जैसे हम कोई एक्सपेंशन कर रहे हैं, सपोज आपसे कहा जाए 7/8, ठीक, इसको आप डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में लिखो, 7/8 को आप डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में लिखो। तो अब 7/8 कैसे लिखोगे, ये हो गया आपका 7 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। अब हम डिवीजन शुरू करेंगे, ठीक है। तो 8 के टेबल में 7 तो आएगा नहीं, क्योंकि 7 जो है वो 8 से छोटा, तो यहां पे क्या लगाएंगे, 0 और पॉइंट लगाया और एक क्या बढ़ा दिया, 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा अब 8 8 64, ठीक है, और 8 9 72, तो 8 8 कितना आया, 64 आया, ठीक। अब माइनस किया, 10 में से 4 गया, 6 बचा, 0, ठीक, पॉइंट लगा हुआ है, फिर से एक और 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अब 8 7 56, कितना बचा, 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ फिर से 0 लगा दिया, ठीक है। 8 5 40, ये गया, ये 0, ठीक। तो यहां पे आपका रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो इसका मतलब देखो जो 7/8 है, 7/8 ये कैसा है आपका, 7/8 जो आपका नंबर है ये कैसा है, टर्मिनेटिंग, क्या है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया। क्यों कहा टर्मिनेट हो गया, क्योंकि रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया है, रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया है। तो हम 7/8 को क्या लिख सकते हैं,
0.875 हम लिख सकते हैं। 7 बाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.875 तक लिख सकते हैं। तो हमें डिवीजन कब तक करना है, जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। तो जब अगर रिमाइंडर आपका जीरो आ गया, अगर आपका रिमाइंडर जीरो आ गया तो वो जो फ्रैक्शन है वो कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। क्यों? क्योंकि टर्मिनेट हो गया, थोड़ी देर बाद टर्मिनेट हो गया। तो 7 बाई 8 को हम क्या लिखेंगे, 0.875। ठीक, बस यही इसका आंसर हो गया। अच्छा, ये तो एक टाइप का फ्रैक्शन हो गया, कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसका मतलब 7 बाई 8 हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप से। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या 1/7, क्या देखते हैं, 1/7। ठीक है, 1/7। ठीक है, अब देखो 1 को जब हमने किससे डिवाइड किया, 7 से, तो पहले जाएगा नहीं, तो 0 लगाया, पॉइंट लगा के ये 0 बढ़ा दिया। अब पहला क्या है, 7 बन गया 7, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा, रिमाइंडर कितना बचा 3, फिर से 0 बढ़ा दिया, 7 × 4 = 28, अब रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, फिर से 0 बढ़ा दिया, 7 × 2 = 14। ठीक है, 7 × 2 = 14, रिमाइंडर कितना बचा, 6 बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 6 बचा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 6 बचा, फिर से 0 बढ़ा दिया। अच्छा, 7 × 8 = 56, रिमाइंडर कितना बचा, 4 बचा। अब देखो रिमाइंडर यहां पे हमारा कितना बचा, 4 बचा, फिर से 0 लगा दिया, फिर 7 × 5 = 35, रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा, फिर से 0 लगा दिया, 7 × 7 = 49, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, अच्छा अब आप जब देखेंगे लास्ट में आते आते रिमाइंडर कितना बचा, अभी चल रहा है, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा हमारा यहाँ पे, 1 बचा। अब देखो यहाँ पे आपको डिवीजन कब तक करना है, जब तक कि रिमाइंडर पीछे से मैच ना हो जाए। देखो 1 बचा, 1 कहां पे था आपका, यहां पे कितना बचा था रिमाइंडर, 3, यहां कितना बचा था 2, यहां कितना बचा था 6, यहां कितना बचा था 4, यहां कितना बचा था 5। स्टार्टिंग कहां से हुई थी, 1 से, स्टार्टिंग कहां से हुई थी, 1 से। तो हमारा रिमाइंडर 1 बचा जब नीचे, तो वापस हम कहां पे आ गए, 1 पे आ गए। इसका मतलब वापस हम कहां पे आ गए, 1 पे आ गए। अब फिर से जब हम करेंगे 0 बढ़ाएंगे यहां पे, तो 0 बढ़ाएंगे फिर से 10 हो जाएगा, तो फिर से अब आपका आगे क्या आएगा, 1 4 2 8 7 5। ठीक है, फिर से क्या आएगा आपका, 1 4 2 8 7 5। क्यों आएगा, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये अभी ऐसे कितना है, तो जैसे कि आपका मान लो है 11 है, ठीक है, 11 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से, मतलब 11 बाय अगर 3 होता तो आप कैसे लिखते, 3 × 3 = 9। ठीक, कितना बचा रिमाइंडर, कितना बचा, 2 बचा। ठीक, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 × 6 = 18, फिर से रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। अब देखो रिमाइंडर सेम हो गया, पहले क्या बचा था 2, फिर से क्या बचा है, 2। अब आपके तो अब आपके 6 6 ही आता रहेगा इसके बाद। अब आप 0 बढ़ाओगे, फिर से 3 × 6 = 18, 2, फिर 0, 3 × 6 = 18। तो 11/3 को हम क्या लिखेंगे, 3.666666, हमेशा ये चलता चला जाएगा, रिमाइंडर हमेशा 2 आता चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसे यहां पे आपका क्या है, देखो पहली बार में रिमाइंडर जब पहले स्टार्टिंग कहां से हुई, 1 से,
ठीक, जब एक बार बंदा लगे गया 7, फिर रिमाइंडर कितना आया 3 आया, 30 हुआ, फिर 4 से किया रिमाइंडर कितना आया 2, फिर 2 से किया मतलब फिर रिमाइंडर 6 आया, फिर रिमाइंडर 4 आया, फिर 6 आया, सॉरी यहाँ पे 5 आया, ठीक है 5 आया, ठीक है। तो देखो पहले आपका रिमाइंडर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, अभी तक देखो रिमाइंडर रिपीट नहीं हुआ था। हाँ, फिर उसके बाद जब आपने किया तो 1 आया, कितना आया आपका 1, और 1 कौन सी वैल्यू थी, स्टार्टिंग वैल्यू। तो यहां से यहां तक 7 तक पूरा जो है फिर से क्या होगा, रिपीट होगा। तो ये इसका मतलब 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.142857, फिर 142857, फिर 142857, इसी तरीके से ये हमेशा क्या होता चला जाएगा, चलता चला जाएगा और कभी भी खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा मतलब ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो जो 1/7 है या 11/3 है, आई एम रीडिंग दिस पार्ट, ठीक है। तो 1/7 या फिर ये 11/3, ये क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या, रिपीटिंग, REPEATING, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, क्यों, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। यहां पे जैसे 11/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.6, इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, क्योंकि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। देखो क्या रहा, 3.6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, तो जो चीज बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर आप एक ये बार लगा देंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 6666666 ये। अच्छा 1/7 क्या है, 1/7 को फिर हम कैसे लिखेंगे, 0.142857 और इस पूरे के ऊपर बार, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा बार बार रिपीट होगा, पहले एक बार आएगा, फिर एक बार यही पूरा आएगा, फिर यही आएगा, फिर यही आएगा, फिर यही आएगा। तो अगर कोई भी नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या है, अगर नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो कब रैशनल नंबर होगा, या तो वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब कि रिमाइंडर थोड़ी देर बाद 0 आ जाना चाहिए, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो कैसा होना चाहिए, रीअकरिंग या फिर रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है, या तो वो टर्मिनेटिंग हो या फिर वो अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना चाहिए, और अगर वो ये दोनों ही नहीं है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, इसीलिए हमारा पाई जो है वो रैशनल नंबर में नहीं काउंट होता है, क्यों, जब हम लोग सॉल्व करते हैं, आई एम रीडिंग दिस, ओके, जब हम लोग सॉल्व करते हैं पाई की वैल्यू, दैट इज 22/7, तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो बेसिकली क्या आता है, 22/7 को जब हम सॉल्व करते हैं तो 3.14321 4 3 2 1 1 4 3 2 1 sorry 4 इस टाइप से आता है, देखो कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, 1 4 3 2, ठीक है 1 4 3 2, फिर 1 1 4 3 1 4, कोई पैटर्न नहीं बन रहा रिपीटेशन का, तो इसीलिए, और ये टर्मिनेट नहीं होगा, ऐसे आपका चलता चला जाएगा रैंडम तरीके से, कोई भी एक आपका पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बनेगा जिसको आप पकड़ के वो बोल सके यहाँ पर यहाँ से ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसीलिए वो क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो आपके क्वेश्चन जो आते हैं कैसे आते हैं, जैसे कि आपका क्या है एग्जाम्पल नंबर 6, क्या 3 पॉइंट, एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, क्या 3.14678, 3.14678 को आपको रिप्रेजेंट करना है इन फॉर्म ऑफ P/Q,
एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है, 3 रिप्रेजेंट 3.14678 इन फॉर्म ऑफ p by q, मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि ये दिखाओ कि ये रैशनल नंबर है, तो इसको p by q की फॉर्म में लिख दो। तो क्या हुआ, देखो क्या है 3.14678 अपॉन, ये पॉइंट हटाओगे तो 1 कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 4 6 7 8 अपॉन 1 1 2 3 4 5, तो ये हमारा p by q की फॉर्म में हो गया, p by q की फॉर्म में हो गया। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल नंबर 7 देख लेते हैं। क्या एग्जांपल नंबर 7, अब जब हम एग्जांपल नंबर 7 देखेंगे वो क्या कह रहा है कि 0.333, क्या अब ये देखो 0.33333 को किसमें रिप्रेजेंट करो, p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो इसको देखो 33 रिपीट हो रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार, 0.3 के ऊपर बार, है ना, इसका यही तो मतलब हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो रिपीटिंग डिजिट है वो कितनी है, देखो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तो यहां पे देखो पहले ये याद रखना, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स इज इक्वल टू 1। हमेशा याद रखना, ये ध्यान में रखना है कितनी रिपीटिंग डिजिट्स हैं, यहां पे कितनी है 1 केवल रिपीट हो रही है। तो पहला इस पूरे को x मान लो, पहले लेट x इज इक्वल टू 0.3333, ठीक है, एंड सो ऑन, तो यहां तक छोड़ दो। अब नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट कितनी है, 1 है, तो अगर 1 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 से, 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक ही रिपीटिंग डिजिट है। ठीक है, अभी अगला देखेंगे, अगर 2 होती तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 होती तो 1000 से, अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या हो जाएगा 10x, और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 3.333। ठीक, अच्छा अब इस वाली इक्वेशन में से ये वाली माइनस कर दो, ठीक है, ये हो गई 1, ये हो गई 2, हमेशा इसमें से ये क्या कर दो, माइनस कर दो, तो माइनस करो तो क्या आ जाएगा आपका, देखो यहां पे 10x is equal to 3.3333 minus, यहाँ पे क्या हो जाएगा x is equal to ये minus का या 0.333, तो ये 10 में से x गया तो ये क्या हो जाएगा 9x is equal to, यहाँ क्या बचेगा आपका, देखो यहाँ पे 0.33 था, देखिए तो 3 में से 3 गया 0, 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 3 में से 0 गया, कितना बचा 3 बचा, 3.00 बचा, तो इसका मतलब 9x is equal to 3, तो इसका मतलब x is equal to क्या आ जाएगा 3 upon में 9, और 3 बंदा 3, 3 3 दा 9, इसका मतलब x is equal to क्या हो गया 1 upon में 3। ठीक है, फिर से देखो ये नंबर था, इसको p by q की फॉर्म में लिखना था, इस नंबर को हमें किसमें लिखना था, p by q की फॉर्म में, तो हमने यहाँ पे देखा जो नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो कितनी है, 1 है, ठीक है, तो ये एक ही है, तो x is equal to इस नंबर को हमने x मान लिया, क्योंकि एक डिजिट रिपीटिंग है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10x is equal to 10 into this, तो 10 जब मल्टीप्लाई हुआ ये पॉइंट इधर आ जाएगा 3.3333। ठीक, अब इसमें से ये माइनस कर दिया, तो ये ऊपर लिखा माइनस करके ये नीचे लिख दिया, तो इसमें से ये माइनस हुआ 3 बचा, और 10 में से x गया 9 बचा, ठीक है, 10x में से x गया तो 9x बचा, तो 9x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 9 इधर अपॉन में चला गया, तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन में 9, दैट इज 1/3, तो x 1/3 आपका आ गया, तो ये हमने उसको p by q की फॉर्म में लिख लिया। ये था एग्जांपल नंबर 7, ऐसे ही अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अब उसमें जो है नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स कितनी होंगी उसी पे डिपेंड करेगा कि हम किससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेट अस सी,
व्हाट एग्जांपल नंबर ए सेवेंथ कर लिया। एट क्या कह रहा है कि 1.27277 क्या 1.272727 किसको रिप्रेजेंट करना है, किसकी फॉर्म में, पी बाय क्यू की फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सेम प्रोसेस क्या है आपका 1.2727 है, तो पहले क्या मान लो इसको x मान लो, तो लेट x इज इक्वल टू 1.2727 एंड सो ऑन। तो इसमें देखो रिपीटिंग नंबर्स कितने 27 फिर 27 27 तो एक्चुअली में क्या हो 1.27 के ऊपर बार, तो नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है 2 27 फिर 27 फिर 27, तो दो नंबर बार-बार वही रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है 2। तो अब 2 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो क्या मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या हो जाएगा 100 x इज इक्वल टू अब यहां 100 मल्टीप्लाई होगा तो 0.2 से इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 127.27 और 2727 लिखना होगा लिख दो क्योंकि 272727 आप जितना भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है अब फिर से सेम थिंग, इसमें से ये क्या कर दो माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका 100x इज इक्वल टू 127.2727, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस का इज इक्वल टू यहाँ पे 1.2727 माइनस। ठीक है हमेशा याद रखना इसमें उतने ही लिखना जितने यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि वो वही आएगा ना, क्योंकि क्या है कि जैसे कि जब इसमें हमने 100 मल्टीप्लाई किया था तो 127.27 आया, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 है तो यहाँ पे भी 4 कर लो क्योंकि है तो 272727 ना, तो दो और लिख लो। ठीक है अब 7 में से 7 क्या 0, 2 में से 2 क्या 0, 7 में से 7 क्या 0, 2 में से 7 क्या 0, 0.7 में से 1 क्या 6 2 1, और 100x में से x क्या कितना बचा 99x। ठीक है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 99x is equal to 126, इसका मतलब x is equal to 126/99, और इसको और सॉल्व कर लोगे 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा ये भी, तो आपका वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट कितनी थी हमारी 2 थी, इसीलिए हमने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है अब मान लो एग्जांपल नंबर 9 भी देख लेते हैं, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है सेम। ठीक है अब वो क्या है 0.23535 क्वेश्चन इज क्या 0.23535 अब यहां पे देखो इसका मतलब ये क्या हो गया 0.235 ये 2 नहीं रिपीट हो रहा है बार बार 35 फिर 35, तो ये तो नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट फिर से कितनी हो गई 2। तो पहले तो x को ये मान लो x इज इक्वल टू 2.353535 एंड डॉट डॉट। ठीक तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 100 से क्योंकि रिपीटिंग यूनिट्स कितनी है 2, तो ये क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 235.3535 एंड 35 ये सो। ठीक तो इसका मतलब अब क्या इसमें से ये माइनस कर दो, तो क्या 100x इज इक्वल टू 235.3535 आपका चलता रहेगा। ठीक है और नीचे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 क्या है आपका हाँ 0.23535। ठीक है 0.235 तो ये आप जब सॉल्व करोगे दो डिजिट से चलो 353। ठीक है तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका वही 13 में से 5 जो भी आपका जाएगा यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 1 और 5 में से दे हो गया 5 ये आपका 235.1 आ गया, तो x इज इक्वल टू 235.1
अपॉन में 99 पॉइंट हटाया, नीचे जीरो बढ़ा दिया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2351 अपॉन में 990। क्यों, यहां से जब हमने माइनस किया तो 235.1 आया, ठीक है, तो ये आ क्या आ गया 235.1 अपॉन में 99, ठीक है, क्योंकि 99 अपॉन में आ गया, फिर पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ा दिया, तो ये आपका p / q की फॉर्म में हमने इसको दिखा दिया, ठीक है, p / q की फॉर्म में हमने इसको दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या होगी एक्सरसाइज 1.3 होगी। तो ये एक बार आप लोग अपने आप ट्राई करना, ठीक है, देन वी विल डिस्कस इट फर्दर।